तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो वापस से आ चुके हैं एक न्यू वीडियो में। और भाई यार, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि मेरे पास इतना सारा योगन है, जिसमें भाई एक के मैक्स है और यहाँ पर स्कार भी मैक्स होने वाला है, फार्मस 4 लेवल और एक्सेमेड भी मैक्स होने वाला है। और यहाँ पर देखो भाई, मेरे पास है शॉर्ट गन M10 भाई एक्स लेवल। आप लोगों को विश्वास नहीं हो कि मेरे पास M10 मैक्स है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आपको पता ही होगा कि मेरा एक और आईडी जिसमें भाई मैंने M10 में टॉप 1 किया था, वो भी इंडिया पे, और काफी सारे गन में भी टॉप 1 किया था मैंने। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो यार कि मैंने सच में टॉप 1 किया था, और करीबन मैंने 1,15,000 ग्लोरी भी दिया था। तो फिर क्या भाई, चलो पहले तो मैं गेम प्ले नहीं दिखा पाया था M10 का, अब दिखाते हैं आप लोग को M10 का गेम प्ले। तो लेट्स स्टार्ट। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। चलो भाई यार, आज देखा जाए तो हमारा गेम बहुत खतरनाक तरीके से बरूड़ा मैप पे लग चुका है, और बहुत खतरनाक तरीके से हम लैंड करेंगे और बंदों को भाई M10 से पूरा चमका डालेंगे। रे बाबा, पंछी बन उड़ता फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। ओके भाई, यहाँ पर जाऊंगा मैं रिसप्लाई पॉइंट पे और पूरा लूट पाट के भाई बंदों को पेटी बनाऊंगा। मस्त जोक मारा। ओके चलो, आ चुके हैं अब हमारी मंजिल पे। तो भैया दबा दिया जाए। लैंड तो कर रहे हैं भाई, लेकिन आजू बाजू देखना पड़े, कोई बंदा तो नहीं आ रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई आ रहा है। और ऊपर साइड में कोई नहीं दिखाई दे, पीछे साइड तो भाई एक बंदा नहीं दिखाई दे। लेकिन ये पंछी भाई क्या हुए, ये तोड़ गया यार। गरीना वाले ने खोखला बनाकर पूरा पैसा लूट लिया यार मेरे से। ओके चलो, फाइनली यहाँ पर हमारा लैंडिंग हो चुका है। सामने मेरा तिजोरी, इसको लूटते हैं। उसके बाद भाई तो मेरे पास पैसा ही पैसा, टोकन ही टोकन, गन ही गन भाई, माला माल हो जाऊंगा। 3 का बेस्ट हेलमेट मिल चुका है। अरे बाबा, अरे पागल है साला। चलो यार, यहाँ पर मेरे को MP5 और सामने साइड मेरे को M10 मिल चुका है। अरे भैया, अब तो तबाही। क्या बात कर रहा है। चलो भाई, यहाँ से तो मैंने काफी सारा लूट कर चुका हूँ, और मोबाइल थोड़ा सटका यार, कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे पास 1,000 कॉइन है, M10 है और ओग है, और क्या बोलते हैं जो गाड़ी फोड़ने वाला जो लॉन्चर होता है भाई, ग्लोबल फोड़ने सभी काम आता है, वो है मेरे पास। यहाँ पर टोकन है तो मैं लूट बॉक्स चार्ज करता हूँ, शायद यहाँ से मेरे को कुछ अच्छा गन या फिर बेस्ट मिल जाए। तो ये दिमित्री मिल गया, चलो बहुत बढ़िया। और क्या मिलता है रिफ्रेश करते हैं, मेरे को इतना खास तो नहीं लग रहा कि मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको चार्ज करें या फिर कर लेते हैं भाई, या 4 का बेस्ट आएगा। चलो कर लिया, एक स्विंग मिल रहा है, वो भी मजा आ गया भाई। क्या लूट हो गया यार मेरे पास, एक और चार्ज और SPDY भाई, अरे SPDY भाई, चलो यार काफी सही है। चलो बस हो गया। और यहाँ पर मैप में देखा जाए तो भाई एक बंदा आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं तुम्हारे लिए, और बताएंगे कि M10 पावर क्या होता है। और सामना सामने रहा, अरे भाई ये तो घर ऊपर चढ़ गया। कोई नहीं कोई नहीं, इसको SPDY से 1 टैप मारेंगे। चलो भाई एकदम 1 टैप। ये लड़की यार, ये मिस एंजल, वाह, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं रे भैया, दम दमा दम मार देंगे तुमको सुताई के, दम दमा दम। एक सेकंड मैडम, जरा ठहरो और गाड़ी में बैठो और लो पकड़ो हेडशॉट। भाई भाग तो ऐसी रहती कि मैं इसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आखिरकार इसको मैं पकड़ भी लिया और पटक भी दिया जमीन पे। देखो बुरा मत न मानना यार, मैं पटकने वाली बात ऐसा है इसलिए बोला कि कई सारे जो लड़कियां होती हैं पापा की पर रहती हैं, तो आसमान में ऊपर उड़ती रहती हैं, इसीलिए मैंने बोल दिया कि जमीन में पटक दिया। अच्छा, तो इसको यार आप लोग गलत बेवकूफ मत सोचना, ठीक है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो। चलो यहाँ पर मेरे को काफी तगड़ा लूट मिल चुका है सशनाल से, और शायद इस साइड M10 है और 2 लेवल का होगा। चलो भाई, 2 लेवल M10 मजा आ गया, AW+ M10 काफी सही है। अब देखा जाए मैं जोन की तरफ जाहिर है तो मेरे को एक और बंदा भाई अर्सनाल चार्ज करते हुए दिखाई दिया है, और ये रहा है बंदा। चलो इसको काफी तगड़ा M10 का स्प्रे किया, इसमें सीधा रस करेंगे, और लो भाई एक शॉट पे बंदा हो गया खत्म। और देखो यार, सच सच बोलना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो, तो भाई वीडियो को एक लाइक करना यार, और चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर ही देना, ताकि आप लोगों को आज से ही ऐसे ऐसे वीडियो देखने को और मिले। तो ये सामने एक बंदा दिखाई दिया, एम कनेक्ट हुआ, चलो 192 का पड़ा है, और भाई को हेड लगा, लेकिन बंदा क्या हुआ, शायद लग रहा है यार AW का ग्लिच, मतलब एकदम से फायर करो जैसे ही फायर करके तो नहीं लगता है। अरे आप नाराज मत होइए, मूड को थोड़ा हल्का करते हैं। ओके फिर चलो यार, बंदे को हम डायरेक्ट रश करके ही मारते हैं, और शायद लग रहा है बंदा यहाँ से भाग रहा है, तो हम इसको तो छोड़ने वाले नहीं है, सीधा गाड़ी से चढ़ाएंगे और इसको फिनिश करेंगे। तो भाई ले,
और यहाँ पर बंदा हो चुका है फिनिश, काफी सही, गाड़ी से मर गया। एक बंदा यहाँ पर देखा जाए तो स्कैनर में स्कैन हुआ, लेकिन पीछे के साइड फाइट चल रहा, तो थर्ड पार्टी करने के लिए हमको जाना पड़ेगा। स्कैनर वाले बंदे को तो हम बाद ही मार सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी करना जरूरी है। और शायद बंदा ये रहा नीचे के साइड, चलो उतर के मारते हैं। और भाई यहाँ पर पूरा मैंने M10 का इस बंदे पे भर दिया, और काफ़ी सही भाई M10 चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो गोली लगता है ना भाई, ज़्यादा लगा लेना पड़ जाता है। मतलब यार बोलूँ तो पहले जब हम M10 चलाते थे उसके मुकाबले M10 को थोड़ा सा भाई कम डैमेज कर दिया है इसका, और रेंज भी थोड़ा कम कर दिया है। थ्री चिप लगाओ तभी आपको रेंज ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उतना खास तो M10 अभी नहीं है जितना पहले था, लेकिन काफ़ी सही चलता है। बात तो सही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हवेली के अंदर फाइट चालू है, तो भाई मेरे को थर्ड पार्टी करने के लिए जाना पड़ेगा ना मेरी जान, तो चलो चलते हैं और बंदे को लुढ़काते हैं। शायद बंदा सामने की साइड, और ये रहा भाई। हाँ। और गजब तरीके से इसको M10 का भरा, सीधा इसका आत्मा उड़ गया, मजा आ गया। और हाँ भाई लोग, एक बात तो है यार, आप लोग वीडियो को देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई, लाइक करो यार। देखो यार, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब के लिए तो हम वीडियो बनाते हैं यार, और आप लोग लाइक नहीं करते, बताओ। अब सब्सक्राइब तो करते ही नहीं यार, लेकिन आप लोगों को निवेदन करता हूँ, सब्सक्राइब हो ही जाना चाहिए चैनल को, और कर दो यार। ओके चलो भाई, जो लास्ट जोन है वो अभी एंड होने वाला है, और अभी चार बंदे अराइव है, और मेरे घर के पांच है, और मैंने 5 किल करे, लेकिन यार ये क्या था भाई, खतरनाक स्प्रे, मतलब थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी वाला सीन होने वाला था अगर मैं किसी बंदे से फाइट करता अभी तो। एक बंदा लग रहा है आई थिंक घर के ऊपर है, और एक जो है उस साइड में। चलो यहाँ पे ग्रेनेड नहीं डालेंगे, ग्रेनेड शायद लग रहा है पीछे से बंदा, ए वाला बंदे पे ग्रेनेड डालते हैं, और शायद बंदा मेरे पे ग्रेनेड डाला, लेकिन मैं इस पे तो ग्रेनेड डालूंगा। चलो ये डाला मैंने ग्रेनेड, और बंदा जंप कर दिया। हाँ। चलो इसको काफ़ी तगड़ा मैंने डैमेज कर दिया M10 का, अब इसको पूरा भर देंगे, और इसको सुनिए टिबेट, और बंदा हो गया ख़त्म भाई। एरो अभी काफ़ी हार्ड बंदा था, लेकिन थोड़ा सा माइंड नहीं खेला अच्छे से, इसलिए बंदा यहाँ पर चल गया। लेकिन पीछे से एक बंदा मेरे पे रस कर दिया शायद तक, यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। एक सेकेंड, शायद बंदा लग रहा है मेरे को सामने जो घर में वहाँ से मेरे पे फायर किया था, ये रहा भाई। कोई बात नहीं, इस पे रस करके मारेंगे, लेकिन इसके पास MP40, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे ग्रेनेड से बंदों को डराने का प्रयास करना है। अगर बंदा डर गया तो भाई मैं इस पे रस करने आसान होगा। और अभी तो लर्नमेंट लगाया यहाँ पे, क्या भाई साड़ा बंदा एकदम पूरा जुगाड़ व्यवस्था करके बैठा है। कोई नहीं भाई, हम फिर इसको ग्रेनेड से डराने का प्रयास करेंगे। मेरे पास यहाँ पर लैंड माइन 4 है, तो ग्रेनेड से डालते हैं पहले। चलो एक ग्रेनेड डाला यहाँ पे, एक ग्रेनेड यहाँ पे डाला। मेरे को यहाँ पर एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्या पता बंदा खिड़की से जंप कर दिया होगा, लेकिन इस साइड तो बंदा मेरे को नहीं लग रहा है, शायद पीछे साइड में भी जंप किया होगा। हलो इधर भी नहीं है, मेरे को लग रहा है बंदा घर के ऊपर है, तो इसको एक ग्रेनेड आउट डालते हैं, शायद बंदा यहाँ पे हो तो फट जाए। चलो ये वाला रूम में होगा, लेकिन यहाँ पर तो ग्रेनेड से डैमेज नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ सीधा बंदे पर रस करें, और बंदा देखो इस साइड बैठा है भाई, ये मजा, लेकिन एम गलत कनेक्ट नहीं हुआ, बंदा मेरे को फायर दे रहा है, फिर भी हम इस पर रस करेंगे, M10 है हमारे पास। और बंदा मेरे को लग रहा है शायद खिड़की से नीचे जंप कर दिया, और भाई ऊपर आ गया। चलो काफ़ी तगड़ा डैमेज किया इसका ओरियो है, और ओरियो झट गया। हाँ चलो भाई, बंदे को हमें फाइनली मैंने यहाँ पर फिनिश कर लिया, काफ़ी तगड़ा भाई M10 चलता है, मज़ा आ जाता है। MP40 के सामने भाई M10 जीता यहाँ पे। यहाँ पर मैप में दिखाया जोन बहुत छोटा हो चुका है, एकदम लास्ट सर्कल है, और शायद कोई बंदा यहाँ पर ग्रेनेड डाल रहा है, ये रहा बंदा भाई पीछे, इसको काफ़ी तगड़ा डैमेज किया, और यहाँ पर जोन भी तगड़ा डैमेज कर रहा है, मेरे को जोन तरफ जाना चाहिए। ग्लूगल लगा लेते हैं, क्या पता कोई थर्ड पार्टी ना कर दे। चलो मेडिकेट पहले मारते हैं, उसके बाद जो है बंदों को क्लियर करने का ट्राई करेंगे, मतलब मारने का। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बोल दो, सिचुएशन जो है काफ़ी हार्ड है, क्योंकि एक बंदा यहाँ पे एक बंदा दूर पे है, तो थर्ड पार्टी होने का बहुत चांस है। मेरे को फाइट नहीं करना है, दोनों बंदों को आपस में फाइट करवाने का ट्राई करना है, तो मैं तो संभल के ही खेलूंगा। अभी जोन श्रिंक हो रहा है, चलो इसको डाउन करने करेंगे, और भाई बंदा एकदम से खत्म, मजा आ गया। चलो लास्ट बंदा बचा है, और 1v1 का सिचुएशन है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे बंदे क्या गलती करते हैं लास्ट जोन में, कि बंदे से एकदम डायरेक्ट फाइट करते हैं, और जो है बंदा है मार देता है। ये देखो बंदा मेरे पीछे आ गया है, अब बंदा मेरे काफ़ी डैमेज कर दिया, बंदे को मैं डैमेज किया, तुरंत ग्लूगल लगाया। ठीक है, अब यहाँ से मैं हटूंगा, क्या पता बंदा ग्लूगल पे आ जाए। हाँ। लेकिन जो बंदा है काफ़ी चलाक है भाई, एकदम तुरंत लॉन्ग जाता है, पर यहाँ पर ये W जो था मेरा कनेक्ट नहीं, अगर कनेक्ट होता तो बंदा डायरेक्ट खत्म हो जाता। लेकिन ये जो बंदा है भाई काफ़ी सही लग रहा है मेरे को यार, क्या बात कर, इसके पास बाई जोन है तो बंदा दूर दूर जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरा स्कोप खुल गया तो वो बंदा मरा नहीं। M10 का जो है रेंज वो सही नहीं है, इसलिए बंदे को काफ़ी तगड़ा डैमेज तो नहीं हो रहा होगा, एकदम थोड़ा थोड़ा डैमेज हो रहा होगा। चलो इसको मारेंगे, लेकिन जो बंदा है भाई एकदम चला के, मतलब थोड़ा सा मेरे को लड़ा देता है, उसके बाद तुरंत दूर रेंज चला जाता है। लेकिन इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, एकदम शॉट में घुस के मारूंगा। यहाँ पर दिमित्री तो मेरा चालू हो गया, अब शायद बंदा ग्लूअल पे है, अब ये बंदा काफ़ी चला के, तो भाई थोड़ा मेरा को यहाँ इनर ले लेते हैं। और बंदा देखो एकदम साता और तुरंत दूर चला जाता है, इसमें कैसे मार पाएंगे, MP कनेक्ट नहीं हो रहा यार, रुको यार रुको। चलो यहाँ पर कनेक्ट किया और ग्लूअल लगाएंगे, बंदा काफ़ी भाई विजन तगड़ा चला रहा है, लेकिन अब इस बंदे को मारना पड़ेगा भाई।
चलो यार बहुत सही, यहाँ पर फाइनली मैं बंदे को M10 का भर भर के पूरा तरह से भर दिया और फिनिश कर दिया और मेरा यहाँ पर हो चुका है एकदम ओपी लेवल भैया। तो यार अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना। चलो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। प्रोग्राम दिखा दिया तूने, सच कहो जिंदगी में दो बार खुश हुआ, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज।